मसल इज नॉट ईजी टू बिल्ड. आपका बॉडी कभी भी नहीं चाहता है कि वो मसल ग्रो करे. यू हैव टू फोर्स योर बॉडी टू बिल्ड मसल. और गाइज ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि वो काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनको वो डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा जो वो हमेशा चाहते हैं. तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा. अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी गेंस डबल हो जाएगा. What's up everyone, this is your boy Sheikh Saab, welcome to the channel. तो guys, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू पैक ऑन मसल मास. कैसे आप अपना मसल मास को फास्ट गेन कर सकते हैं. सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना. सो गाइज टिप नंबर 1 है ट्रेन योर मसल मोर ऑफ्टन. अगर आप भी वही ओल्ड स्कूल ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो जिसमें आप एक मसल को एक दिन में टारगेट कर रहे हो, यानी कि आप मंडे को चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, फिर ट्यूसडे को बैक, फिर वेडनेसडे को शोल्डर, फिर आर्म्स, फिर आर्म्स और फिर लेग्स और एक या दो दिन रेस्ट, तो भाई प्लीज़ रुक जाओ. ब्रो स्प्लिट क्यों इफेक्टिव नहीं है मसल बिल्डिंग के लिए, आइए इसे समझते हैं. सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि जैसे कि सपोज आपने मंडे को अपने चेस्ट को ट्रेन किया तो आपका चेस्ट ट्यूसडे वेडनेसडे यानी 2 से 3 दिन बाद आपका चेस्ट वापस से रिकवर कर गया है प्रीवियस वर्कआउट से, तो आपको एक वीक रुकने का जरूरत नहीं है. आप अपने चेस्ट को दोबारा से थर्सडे को ट्रेन कर सकते हो. सो दूसरा जो लिमिटेशन है ब्रो स्प्लिट का वो ये है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो एक ही दिन में, वो भी एक ही मसल का. आप इसमें 11 से 12 एक्सरसाइज करते हो तो इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ सेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है. क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपका 1 से 2, 3, 4 एक्सरसाइज तक आपका क्वालिटी अच्छा रहता है, लेकिन जब आप 8, 9, 10 एक्सरसाइज तक पहुंचते हो तो उस टाइम में आपका क्वालिटी जो है सेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. तो इससे आपका परफॉर्मेंस भी घट जाता है और आपका मसल भी एंड ऑफ द सेट तक काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है. तीसरा रीज़न ब्रो स्प्लिट को अवॉइड करने का वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो रहता है वो पीक पे जाता है और वो वापस से बेसलाइन लेवल पे आ जाता है विद इन 48 आवर्स. तो अगर आप अपने मसल को फिर से दोबारा से ट्रेन करोगे तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस वापस से पीक में जाएगा और जिससे आपका फर्दर मसल ग्रो होगा और ये बेनिफिट आपको ब्रो स्प्लिट में नहीं मिलता. सो गाइज आपको ब्रो स्प्लिट को अवॉइड करना है और आपको पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करना है जिसमें आप हर मसल को हफ्ते में 2 बार टारगेट कर सकोगे. सो गाइज टिप नंबर 2 है स्टार्ट फोकसिंग ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर. इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग इन व्हाट यू आर डूइंग देन यू आर नॉट ग्रोइंग. अगर आप 60 kg का बेंच प्रेस मारते हो जिसमें आप 10 रेप्स लगाते हो, नेक्स्ट वीक 60 kg 10 रेप्स, उसके नेक्स्ट वीक फिर से और मंथ बाय मंथ ऐसे ही फास्ट हो जा रहा है और आप इम्प्रूव नहीं कर रहे अपने एक्सरसाइज पे, तो आपका मसल कभी भी ग्रो नहीं करेगा. क्योंकि आप अपने बॉडी को फोर्स ही नहीं कर रहे हो कि वो वेट बढ़ाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा फ्यू रेप्स को स्क्वीज आउट करे जो आपका मसल को एक नया स्टिमुलस प्रोवाइड करे जो आपका नया मसल फाइबर को ग्रो करे. और गाइस स्ट्रेंथ और साइज में काफ़ी क्लोज रिलेशन है. अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करोगे, अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करोगे तो आपका साइज आपको फॉलो करेगा, यानी कि साइज फॉलो स्ट्रेंथ. अगर आप अपने बॉडी को पुश करोगे कि आपका स्ट्रेंथ बढ़े, अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपका साइज भी आपको फॉलो करेगा, आपका साइज भी बढ़ेगा. और गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट मारो जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि उस टाइम आपको इंजरी हो सकता है. तो आपको कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना है लेकिन सेफ्टी के साथ. सो गाइज टिप नंबर 3 है ईट इनफ फूड. आई नो जो बिगिनर लोग रहते हैं वो कैलोरी डिफिसिट में भी मसल बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर नहीं हो और आप मसल बिल्ड करना चाहते हो तो आपको कैलोरी डिफिसिट में ना रह करके एक स्लाइटली सरप्लस रखना है, यानी कि आपको अपने मेंटेनेंस से 8% से 10% ज़्यादा खाना है. क्योंकि गाइस जब आप कैलोरी डिफिसिट में रहते हो तो आपके बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, 1 IGF लेवल सब डाउन चल जाता है और आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हॉर्मोन है वो बढ़ जाता है, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में मन नहीं लगता है, आप चिड़चिड़ा सा फील करते हो, आप ज़्यादा हैवी वेट नहीं यूज़ कर सकते हो और आपका परफॉर्मेंस भी जिम में घट जाता है. सो आपको एक स्लाइटली सरप्लस रखना है. जब आप स्लाइटली सरप्लस रखोगे तो इससे आपका फिर से हार्मोनल चेंज होगा जिससे आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्पाइक करेगा और आपका मसल ब्रेकडाउन रिड्यूस होगा. और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि वो ऐसा क्या फूड खाए जिससे उनका मसल बिल्ड हो, तो आपको 3 इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको फोकस में रखना चाहिए. सबसे पहले है आपका प्रोटीन. गाइस विदाउट प्रोटीन मसल बिल्ड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हो तो आपका प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है. जब आपका बॉडी रिकंस्ट्रक्शन फेज में जाता है तो उस टाइम में आपका जो प्रोटीन आपने फूड सोर्स से लिया है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है और
वहाँ से आपका नया मसल फाइबर बिल्ड होता है। सो विदाउट प्रोटीन मसल बिल्डिंग इज इम्पॉसिबल। सो प्रोटीन का सोर्स क्या रहना चाहिए? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको मटन, चिकन और एग्स, फिश ये सब खाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन हो तब पनीर, सोया या फिर वे प्रोटीन खा सकते हो। जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। गाइस बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनको मसल बिल्ड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ज़रूरत है, कार्ब्स की ज़रूरत नहीं। तो भाई जैसे ही व्हीकल को वर्क करने के लिए, व्हीकल को चलने के लिए गैसोलीन का ज़रूरत है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को भी काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत है। अगर आप अपने बॉडी को सफिशेंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो आपका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा रहेगा जी। तीसरा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो आपका है हेल्दी फैट्स। और आपको हेल्दी फैट्स भी लेना है जो आपका टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और प्लस आपका ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी हेल्पफुल करता है। सो गाइस टिप नंबर 4 है ऐड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट डज एड मसल ग्रोथ, लेकिन आपको सप्लीमेंट पे फुल्ली रिलाई नहीं करना है, आपको अपना डाइट भी अच्छा रखना है। सो गाइस 3 जो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो आपका मसल ग्रोथ को एनहेंस करता है, सबसे पहला है वे प्रोटीन। अब प्रोटीन का इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वे प्रोटीन जो रहता है वो अगर आप सप्लीमेंट के फॉर्म से लीजिएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको कन्वीनियंट पड़ता है, क्योंकि एक स्कूप में आपको 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वही अगर आप फूड सोर्स से जाओगे तो आपको 4 अंडा खाना पड़ेगा। और प्लस वे प्रोटीन जो रहता है वो डाइजेस्ट भी थोड़ा फास्ट होता है फूड के कंपेरिजन। जो दूसरा सप्लीमेंट है वो है क्रिएटिन। गाइस क्रिएटिन जो रहता है वो आपका जिम का परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है, वो ATP प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जो दूसरा बेनिफिट ये है कि जो क्रिएटिन जो रहता है वो आपके मसल सेल के अंदर वाटर को रिटेन करता है, जिससे आपका मसल ज़्यादा फुल दिखता है। और तीसरा सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट। गाइस प्री वर्कआउट आपको ओकेजनली यूज़ करना चाहिए, डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना आपका बॉडी जो है उससे टॉलरेंस बिल्ड कर ले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ ऑल, अगर आपने 4 प्रीवियस टिप्स को फॉलो किया और इसको छोड़ दिए देन यू जस्ट फक ऑल योर गेंस। टिप नंबर 5 है टेक एडिक्वेट स्लीप। क्योंकि गाइस जिम में तो आपने मसल को ब्रेक करते हो लेकिन आपका मसल वापस से रिबिल्ड और रिकवर होता है स्लीप के दौरान। तो आपको एक क्वालिटी स्लीप लेना है, क्योंकि जब आप सोते हो तो उस टाइम में आपका बॉडी जो रहता है, जो फर्स्ट स्लीप साइकिल है, उस टाइम आपका बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और जितना ही ज़्यादा ये साइकिल कंबाइन होता है उतना ही आपका बॉडी एनाबॉलिक में रहता है। तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेना ज़रूरी है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। शेक सैफ।